Hello students, in the last video we have started with the communication system, okay? And in the last video I have given you the overview of the entire subject. Now in this video we will start with the introduction part, okay? That is basics of communication system. In this we will study the basic block diagram of communication system, okay? Now before studying the basic block diagram of communication system, first we will define what is communication. ओके कम्युनिकेशन क्या है तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. ओके और यू कैन से फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल. ओके और यू कैन से फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके सो कम्युनिकेशन एक तरह से आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग है. ओके फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके नाउ कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए वो है बेसिक ब्लॉक डायग्राम. मीन्स ये जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके सो यहां पर अगर मैं सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूं तो फर्स्ट जो आपका होगा कम्युनिकेशन में वो होगा आपका सोर्स. ओके सोर्स क्या है. सोर्स वो है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन निकलेगी. ठीक है ना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके नाउ सेकेंड विल बी ट्रांसड्यूजर. ओके ट्रांसड्यूजर आपका क्या होता है. ट्रांसड्यूजर होता है जो कि एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. ओके नाउ नेक्स्ट विल बी चैनल. ओके नाउ नेक्स्ट विल बी ट्रांसड्यूजर अगेन. ओके एंड लास्ट विल बी योर डेस्टिनेशन. क्लियर. नाउ दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. नाउ इन दिस ब्लॉक डायग्राम देर आर फोर ब्लॉक्स एंड इन बिटवीन देर इज अ चैनल. ओके नाउ हियर दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसमीटर साइड पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रिसीवर साइड पार्ट. ओके नाउ इन ट्रांसमीटर द फर्स्ट ब्लॉक इज सोर्स. सो सोर्स क्या है आपका. जहां से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जिस इंफॉर्मेशन को आप सेंड करना चाहते हो वाया चैनल टू द रिसीवर. ठीक है ना जिस इंफॉर्मेशन को आप चैनल के थ्रू रिसीवर तक सेंड करना चाहते हो. ठीक है वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी. सोर्स से. क्लियर है पॉइंट. नाउ ट्रांसड्यूजर क्या है. ट्रांसड्यूजर वो है जो आपके एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है. तो हमें यह समझना है कि हमें यहां पर ट्रांसमीटर में ट्रांसड्यूजर की जरूरत क्यों पड़ी. जो आपका सोर्स जो सिग्नल जनरेट करता है जो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है वो आपकी फिजिकल फॉर्म में होती है. क्लियर है पॉइंट. तो जो ट्रांसड्यूजर है उस फिजिकल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में. ठीक है तो ट्रांसड्यूजर का जो रोल है एक तरह से आप कह सकते हैं जो ट्रांसमीटर वाले ट्रांसड्यूजर का जो रोल है आपके लिए वो है आपका कि वो कन्वर्ट करेगा आपके फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. क्लियर है पॉइंट आपके लिए यहां तक. नाउ अब इस सिग्नल को हम लोग सेंड करते हैं वाया चैनल टू द रिसीवर. ओके हम इस सिग्नल को अब रिसीवर तक सेंड करेंगे. नाउ रिसीवर में जाके आपको फिर से एक ट्रांसड्यूजर मिलेगा. अब इस ट्रांसड्यूजर का क्या रोल है. इस ट्रांसड्यूजर का जो रिसीवर के साइड है उसका रोल है कि आप अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दो फिजिकल सिग्नल में. ओके और लास्ट में आप क्या करते हैं. लास्ट में आप अपने फिजिकल सिग्नल को डेस्टिनेशन को दे देते हैं. ओके डेस्टिनेशन मींस फाइनली यूजर हो गया जिसको आप इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते थे. क्लियर है पॉइंट. अब आपके मन में एक पॉइंट उठ रहा होगा कि हम लोगों ने फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट किया ट्रांसमीटर साइड में. तो इसका ये रीजन होता है कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो हमेशा वोल्टेज और करंट के फॉर्म में करते हैं. वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में करते हैं. और जो हमें सोर्स जो इंफॉर्मेशन देता है वो फिजिकल फॉर्म में देता है. ठीक है तो उस फिजिकल फॉर्म को हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होता है. नाउ जब हम वो इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन को देना चाहते हैं. डेस्टिनेशन मीन्स फाइनल यूजर को जब हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसे हमें फिर से फिजिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है. इसलिए हमें ट्रांसमीटर साइड ट्रांसड्यूजर
एंड रिसीवर साइड ट्रांसड्यूसर की जरूरत होती है. ओके, नाउ फ्यू मोर टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए इस बेसिक ब्लॉक डायग्राम में. यहां पर जो हमने चैनल कंसिडर किया है वो आपका वायर्ड चैनल लिया है. ओके, नाउ यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैनल के रेस्पेक्ट में. चैनल आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. ठीक है, जब आप शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ओके, तो वायर्ड चैनल आपका कब यूज होगा? शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. तो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यू कैन यूज वायर्ड चैनल, बट अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो यू विल यूज वायरलेस चैनल. ओके, तो वायरलेस कब यूज होगा आपका? फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. नाउ वायरलेस कम्युनिकेशन जब आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको एक नए टर्म की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. तो मैंने इस ब्लॉक डायग्राम में भी मॉड्यूलेशन लिया नहीं है, मॉड्यूलेशन का ब्लॉक कंसिडर ही नहीं किया है. ठीक है ना, इसलिए जो मेरा ये ब्लॉक डायग्राम है वो बेसिकली वायर्ड है. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा. आपको ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि हम वायर्ड को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते. सिंपल सी बात है ना, अगर आपको दिल्ली टू मुंबई तक कम्युनिकेशन करना है तो आप एक वायर नहीं लगा सकते ना दिल्ली से मुंबई तक. या सपोज करिए अगर आपको दिल्ली से यूएसए तक करना है, तब तो आप समझ ही गए होंगे वायर लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा. ठीक है ना, तो जो कम्युनिकेशन है बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस का वो हमेशा वायरलेस ही होता है. क्लियर है पॉइंट? नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ एग्जांपल्स दे दूं इस बेसिक ब्लॉक डायग्राम में. ओके, जो आपका सोर्स ट्रांसड्यूसर था, सोर्स ट्रांसड्यूसर के बारे में मैंने क्या कहा है आपको कि इट कन्वर्ट द फिजिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. उसका कोई एग्जाम्पल सोचिए आप रियल लाइफ में. उसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका माइक्रोफोन. ठीक है ना, जो आप साउंड क्रिएट करते हैं उसे वो किस पे कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. ओके, नाउ रिसीवर साइड ट्रांसड्यूसर, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. नाउ उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? लाउड स्पीकर. लाउड स्पीकर क्या है आपका? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फाइनली फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. लाउड स्पीकर हम सब देखे होते हैं. ठीक है ना, क्लियर? तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. नाउ जैसा मैंने आपको कहा कि आपके चैनल दो तरह के होते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस. और अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो आपको वायरलेस चैनल ही यूज करना होता है. ठीक है, तो अब हम अपने ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, जहां पर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे. बट जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए आपको मॉड्यूलेटर ब्लॉक यूज करना होता है. अब ये मॉड्यूलेटर ब्लॉक क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे यहां पर. ठीक है, तो सिंपल नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम इज ब्लॉक डायग्राम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन. ओके, तो आपको अब वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर करना है. नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि सोर्स से ही आपकी इंफॉर्मेशन निकलेगी, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता. नाउ सेकेंड ब्लॉक, आप उस इंफॉर्मेशन को जो कि फिजिकल फॉर्म में होगी उसे आप कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में. ओके, तो ट्रांसड्यूसर का आपको यूज करना ही होगा. नाउ थर्ड ब्लॉक जो होगा वो होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर, मॉड्यूलेटर. ओके, मॉड्यूलेटर में आपको क्या करना है बेसिकली? मॉड्यूलेटर के थ्रू आप मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं. नाउ व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ये मैं आपको क्लियर करूंगा कुछ समय के बाद. नाउ जब भी आप मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं और उसके बाद जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, आप वायरलेस चैनल का यूज करते हैं, तो आपको हमेशा एंटीना का यूज करना होता है. ओके, सो देयर इज अ ट्रांसमीटर साइड एंटीना. नाउ यहां से आपका सिग्नल जो है वो प्रोपगेट होगा. ठीक है, वो सेंड होगा. नाउ अब आप यूज करेंगे रिसीवर साइड एंटीना रिसीव करने के लिए. ठीक है, तो यहां से आपने रिसीव कर लिया वाई यूजिंग रिसीवर साइड एंटीना. ओके, आप देख सकते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच पे यहां पर क्या है आपका? फ्री स्पेस है, वायरलेस कम्युनिकेशन आपका परफॉर्म हो रहा है. ओके, तो यहां पर आप डाल सकते हैं अब डीमॉड्यूलेटर. सो डीमॉड्यूलेटर, जैसा आपने वहां मॉड्यूलेटर यूज किया था लास्ट, तो यहां पर आप डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे फर्स्ट ब्लॉक में. और ये आपका क्या है? रिसीवर साइड एंटीना. ओके, नाउ नेक्स्ट ब्लॉक आपका क्या होगा? अगेन सेम होगा जो आपने लास्ट ब्लॉक डायग्राम में यूज किया था, ट्रांसड्यूसर. ओके,
एंड आपका जो लास्ट ब्लॉक होगा वो भी सेम होगा, दैट इज डेस्टिनेशन। ओके, सो आप अगर पिछले ब्लॉक डायग्राम से इसे कंपेयर करते हैं तो यहां पर कुछ न्यू टर्म्स हैं आपके लिए। एक है आपका मॉड्यूलेटर, एक है आपका डीमॉड्यूलेटर और एक है आपका एंटीना। एंटीना आपके सोर्स साइड में भी है और रिसीवर साइड में भी है। ओके, नाउ अब इन टर्म्स को हम अच्छे से यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम आपने बनाया है ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए है, और वायरलेस कम्युनिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस में सेंड करना चाहते हैं। क्लियर है पॉइंट? नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले सोर्स से इंफॉर्मेशन निकलेगी जो कि किस फॉर्म में होगी? आपकी फिजिकल फॉर्म में होगी। नाउ जो ट्रांसमीटर साइड आपका जो ट्रांसड्यूसर है, जो ट्रांसमीटर साइड ट्रांसड्यूसर है, वो क्या करेगा आपके लिए? वो इस इंफॉर्मेशन को जो फिजिकल फॉर्म में है कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ओके, जो मैं आपको लास्ट ब्लॉक डायग्राम में भी क्लियर कर चुका हूं। अब इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही जो सिग्नल प्रेजेंट है आपके पास उस पर आप मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, ये सिग्नल जो है वो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल ही है, सोर्स से इंफॉर्मेशन सिग्नल ही मिल रहा था आपको, उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को ही आपने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन सिग्नल में ही जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है आप मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, नाउ मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल मिलेगा उसे आप कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन के पहले जो सिग्नल था वो था आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल, और जो मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल मिलेगा उसे आप कहेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नाउ अब ये आपका मॉड्यूलेशन होता क्या है इसको मैं कुछ देर के बाद आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। ओके, तो आफ्टर मॉड्यूलेशन आपको मिलेगा यहां से मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आपको मिला है उसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप एंटीना के थ्रू सेंड करते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहां पर आपका एंटीना है, एंटीना के थ्रू आप रिसीवर एंटीना को सेंड करेंगे। बेसिकली आप अगर फुल बोले तो ट्रांसमीटर एंटीना टू रिसीवर एंटीना। ठीक है, नाउ यहां पर अब एक और पॉइंट है कि इस एंटीना का क्या यूज है। ठीक है ना, ट्रांसड्यूसर का यूज तो हमने समझ लिया कि ट्रांसड्यूसर जो है वो फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नाउ मॉड्यूलेटर जो है वो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करता है। नाउ ये एंटीना क्या करता है? एंटीना जो है आपका, एंटीना इज ऑल्सो लाइक अ ट्रांसड्यूसर, इट कन्वर्ट्स द वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल। ओके, तो एंटीना जो होता है मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ठीक है ना, अभी तक आपका सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही है, आफ्टर ट्रांसड्यूसर आपका सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, और आफ्टर मॉड्यूलेशन वो सिग्नल मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ एंटीना जो है वो मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में। ओके, तो बेसिकली आप कह सकते हैं एंटीना के रोल क्या है आपके, एंटीना का जो रोल है वो है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ओके, इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू यू कैन से ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म। नाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म विल ट्रेवल फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना टू रिसीवर एंटीना। नाउ अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि हमने एंटीना का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्यों कन्वर्ट किया, हमने डायरेक्टली क्यों नहीं सेंड कर दिया। ठीक है ना, हम मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डायरेक्टली भी तो सेंड कर सकते थे वाया फ्री स्पेस, हमने इसे कन्वर्ट क्यों किया? तो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, वेरी वेरी फास्ट स्पीड। ठीक है, अगर आप अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डायरेक्ट सेंड करते तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती। ठीक है ना, तो स्पीड अगर स्लो होती तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का जो आपका एम है वो कभी आपका फुलफिल हो ही नहीं पाता। ठीक है ना, आपका टारगेट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन शुड बी रीच टू द रिसीवर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है ना, तो जो ईएमडब्ल्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, इसीलिए हम क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईएमडब्ल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं।
क्लियर है पॉइंट? तो फ्री स्पेस में जो वेव फॉर्म आप यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नाउ रिसीवर एंटीना जब इस वेव फॉर्म को रिसीव करता है तो रिसीवर एंटीना क्या करेगा आपका, रिसीवर एंटीना जो है इस वेव को कन्वर्ट कर देगा EMW टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ओके, इलेक्ट्रिकल फॉर्म. नाउ जब ये आपकी EMW से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो आप जानते हैं कि ये है तो मॉड्यूलेटेड फॉर्म में ही, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल नहीं है ना, ये आपका क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है. मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमीटर एंटीना में आपने कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिकल टू EMW, रिसीवर एंटीना में आपने कन्वर्ट कर लिया EMW टू इलेक्ट्रिकल. ओके, नाउ आपका टारगेट जो है वो रिसीवर के डेस्टिनेशन को या यूजर को इंफॉर्मेशन सिग्नल सेंड करने का है, ठीक है ना. आप चाहते हैं कि जो यूजर है फाइनली जो डेस्टिनेशन है उसे इंफॉर्मेशन सिग्नल मिले, ठीक है. तो आप क्या करना होगा आपको, अब आपको अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कन्वर्ट करना होगा किसमें, इंफॉर्मेशन सिग्नल में, ठीक है. तो आपका जो नेक्स्ट ब्लॉक है आप यहां ब्लॉक डायग्राम से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डी मॉड्यूलेटर. तो बेसिकली आफ्टर डी मॉड्यूलेटर क्या रिसीव होगा आपको, आपको रिसीव होगा यहां पर इंफॉर्मेशन सिग्नल, ओके, इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. ओके, तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिसीव हो गया. नाउ आफ्टर डीमॉड्यूलेशन आप क्या यूज करेंगे, ट्रांसड्यूसर. अब ये जो आपका रिसीवर साइड जो आपका ट्रांसड्यूसर है वो बेसिकली क्या करेगा, वो इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था उसे कन्वर्ट कर देगा फिजिकल फॉर्म में. ओके, और जैसे ही ये सिग्नल फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आप उसे डेस्टिनेशन को दे देंगे. क्लियर है पॉइंट? तो बेसिकली आपको ये बात समझनी होगी, जो सोर्स से सिग्नल निकल रहा था वो भी फिजिकल फॉर्म में था, जो डेस्टिनेशन को सिग्नल मिला वो भी फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है ना. ये ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, एंटीना, डीमॉड्यूलेटर, ये सारे आपके सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, नाउ इस कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम में जो आपको नई चीज देखने को मिली है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जिसको हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया. हमने बस यही कहा मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन क्रिएट मॉड्यूलेटेड सिग्नल, लेकिन ये मॉड्यूलेशन है क्या, करते क्या है इस प्रोसेस में. तो बिफोर डिफाइनिंग द प्रोसेस मैं सबसे पहले यहां पर टॉपिक कंसिडर करूंगा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है, ठीक है. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मॉड्यूलेशन में आपके लिए वो होगा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है. तो अभी के लिए आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि डेफिनेशन क्या है मॉड्यूलेशन की, तो मैं अभी आपको एक सिंपल डेफिनेशन देने जा रहा हूं, बाद में मैं मोर डिटेल में आपको क्लियर करूंगा व्हाट इज मॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन क्या है अभी के लिए आपके लिए, वाया मॉड्यूलेशन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, ठीक है ना. बेसिकली अभी के लिए आप ये समझ लीजिए मॉड्यूलेशन आपका फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ठीक है. जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, उसे हम क्या करते हैं वाया मॉड्यूलेशन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं. तो अभी के लिए आपके लिए क्या है, मॉड्यूलेशन मींस लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन. ओके, और डीमॉड्यूलेशन क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी टू बैक टू लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन. ओके, नाउ सिंपल अगर हम देखें अब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके लिए टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना. ओके, सो यहां पर अगर मैं एंटीना हाइट का एनालिसिस करूं, सो फॉर फेथफुल रेडिएशन एंटीना हाइट आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी लैम्डा बाय 4. ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिग्नल है जो एंटीना से रेडिएट होने वाला है अगर वो प्रॉपरली रेडिएट हो फॉर फेथफुल रेडिएशन, हमें एंटीना की हाइट लैम्डा बाय 4 चाहिए. ओके, और यहां पर जो आपका लैम्डा है वो है आपका वेवलेंथ. नाउ अगर मैं यहां पर लैम्डा को वैल्यू पुट करूं लैम्डा की यहां पर, तो लैम्डा की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है सी अपॉन एफ, ठीक है ना. सी आपकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ फ्री स्पेस. आप जानते हैं यहां पर आप फ्री स्पेस ट्रांसमिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं
कि जो आपकी हाइट है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी हाइट आपकी क्या होगी, उतनी लेस होगी. ओके, मैं यहां पर अब एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं. सपोज करिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इंफॉर्मेशन सिग्नल की, ठीक है, वो है आपकी 7.5 किलो हर्ट्स. ओके, ये मैंने इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ली है. नाउ यहां पर जो आपकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 × 10^8. हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 × 7.5 × 10^3. ओके, अब अगर मैं इसका कैलकुलेशन यहां से करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10^8. ओके, नाउ 7.5 को हम लिख सकते हैं 0.75 × 10^4. सो 10^4 and 0.75 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा. ओके, सो यहां से आपकी जो हाइट ऑफ एंटीना निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी 10^4 मीटर्स. ओके, एंड 10^4 मीटर्स को आप कह सकते हैं यहां से 10 किलोमीटर. ओके, सो हाइट ऑफ एंटीना आपकी आ गई 10 किलोमीटर. नाउ ये जो हाइट ऑफ एंटीना आपकी 10 किलोमीटर आई है, आप एक बार सोच कर देखिए, क्या आपने कभी ऐसा एंटीना देखा है जो 10 किलोमीटर लॉन्ग हो, जिसकी हाइट आपकी 10 किलोमीटर हो. एक बार इमेजिन करिए 10 किलोमीटर को. इवन आपने क्या कभी ऐसा एंटीना भी देखा है जिसकी हाइट 1 किलोमीटर हो, पॉसिबल ही नहीं है. सपोज करिए आपके मोबाइल में जो एंटीना लगा होता है उसकी हाइट 1 किलोमीटर है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना. तो अब आप ध्यान से समझिए सेकेंड एग्जाम्पल को. सेकेंड एग्जाम्पल सपोज करिए मैं यहां पर अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर ले रहा हूं 7.5 मेगाहर्ट्ज़. ओके, नाउ अगेन हाइट ऑफ एंटीना इज लैम्डा बाय 4. ओके, सो ये क्या होगा, C/4f. तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10^8 / 4 × 7.5 × 10^6. ओके, सो यहां पर आप देखिए ये जो आपकी एंटीना हाइट यहां से निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 × 10^8. नाउ अगेन 7.5 को हम लिख सकते हैं 0.75 × 10^7. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 0.75 × 4, 3 × 10^7. तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 मीटर्स. ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को 7.5 किलोहर्ट्ज़ से 7.5 मेगाहर्ट्ज़ किया, आपकी जो हाइट ऑफ एंटीना है वो 10 किलोमीटर से 10 मीटर हो गई. और 10 मीटर का एंटीना मोबाइल में तो नहीं, लेकिन 10 मीटर का एंटीना वैसे आपका पॉसिबल है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू 10 किलोमीटर. आप समझ सकते हैं इस चीज को. तो बेसिकली जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो हाइट ऑफ एंटीना रिड्यूस हो जाती है. और मॉड्यूलेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही तो है कि इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है. सपोज करिए मैं एक और एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 750 मेगाहर्ट्ज. ओके, नाउ अगर आप यहां पर हाइट ऑफ एंटीना कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय 4 × 750 × 10^6. ओके, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय 4. ओके, इंटू, ठीक है, अगर आप 750 को इस तरह से लिखें 0.75. ओके, सो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 10^9 लिख सकते हैं. क्लियर है पॉइंट आपको यहां पर. तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10^8, 3 × 10^9. तो यहां पर जो हाइट ऑफ एंटीना है वो आ गई आपकी 0.1 मीटर, ठीक है ना. आप देख सकते हैं हाइट ऑफ एंटीना इज वेरी वेरी लेस, एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर है आपकी हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है. तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी हाइट ऑफ एंटीना रिड्यूस होते चले जाएगी. आप कह सकते हैं हाइट ऑफ एंटीना की वैल्यू मोर एंड मोर प्रैक्टिकल होते चले जाएगी जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है. तो ये बहुत बड़ी नीड है आपकी, ठीक है, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन. क्लियर है पॉइंट. नाउ सेकेंड जो हमारा नीड है मॉड्यूलेशन की वो है आपकी मल्टीप्लेक्सिंग. तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग.
तो मल्टीप्लेक्सिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी सेंड मोर देन वन सिग्नल थ्रू अ सिंगल चैनल और केबल एट वन टाइम. ठीक है, वैसे तो मल्टीप्लेक्सिंग आपकी बहुत टाइप्स की होती है, टाइम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, बट यहां पर मैं सिंपल डेफिनेशन ले रहा हूं ओवरऑल कि मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम मोर देन वन सिग्नल को सिंगल चैनल और केबल से सेंड करते हैं, ओके, एट द सेम टाइम. तो जब आप मोर देन वन सिग्नल इस सिंगल चैनल और केबल से सेंड करते हैं तो हमें वहां पर मॉड्यूलेशन की नीड क्यों है, फिर ये हम समझ लेते हैं. सपोज करिए आपके पास तीन मैसेज सिग्नल है, थ्री आपके पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है, M1T, M2T एंड M3T. ओके, दिस आर द थ्री इंफॉर्मेशन सिग्नल और मैसेज सिग्नल. ओके, नाउ सपोज करिए M1T की जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो 5 किलोहर्ट्ज़ है, M2T की सेंटर फ्रीक्वेंसी जो है सपोज करिए वो 6 किलोहर्ट्ज़ है, और M3T की जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो 7 किलोहर्ट्ज़ है. ओके, नाउ जो ये M1T, M2T एंड M3T है, ये जो आपके तीन मैसेज सिग्नल है, वो तीनों के तीनों आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होंगे. तो इसलिए मैंने मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी भी 5 किलोहर्ट्ज़, 6 किलोहर्ट्ज़ एंड 7 किलोहर्ट्ज़ ली है, किलोहर्ट्ज़ में ली है, बेसिकली बहुत लो वैल्यू ली है. आपको ये बात समझनी होगी, ये जो फ्रीक्वेंसीज है वो सेंटर फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है ना. तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हो सकता है 5 के नीचे भी हो और 5 के ऊपर भी हो. हो सकता है आपका M1T जो हो वो 3 टू 7 किलोहर्ट्ज़ की रेंज में फैला हुआ हो, M2T जो हो वो 4 से 8 की रेंज में हो, और M3T जो हो वो 5 से 9 की रेंज में हो, बिकॉज 5, 6 एंड 7 आर द सेंटर फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना, आपको कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले या जो आगे की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखेंगे उससे पहले आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी मींस क्या होता है. फ्रीक्वेंसी मींस अगर आप रियल लाइफ से कंपेयर करें तो स्पेस, ठीक है ना. जैसे रियल लाइफ में आप अपने बैठने के लिए कोई स्पेस लेते हैं, ठीक है ना. आप वॉटर बॉटल में अगर वॉटर फिल करते हैं तो बॉटल में क्या है, आपका स्पेस है ना. 1 लीटर की बॉटल में आप 1 लीटर वॉटर फिल करते हैं. तो उसी तरीके से सिग्नल की इंफॉर्मेशन जो होती है वो फ्रीक्वेंसी में फैली होती है, वो फ्रीक्वेंसी के अंदर आप पुट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के अंदर आप फिल करते हैं, फ्रीक्वेंसी में आप फिल करते हैं बेसिकली. तो फ्रीक्वेंसी भी इंफॉर्मेशन के लिए एक तरह से स्पेस है, ठीक है. तो अगर हमारे पास 5, 6 एंड 7 यहां पर सेंटर फ्रीक्वेंसी है तो उस स्पेस का सेंटर है वो, ठीक है ना. ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो उससे कहीं ज्यादा होगी, ठीक है ना. आप ±2 किलोहर्ट्ज़, ±5 किलोहर्ट्ज़ सोच सकते हैं. मैं यहां पर कोई प्रैक्टिकल वैल्यू या आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पर आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है. तो यहां पर आप देखिए, जब इन फ्रीक्वेंसी की रेंज जो होगी इन सेंटर फ्रीक्वेंसी से सपोज करिए ±2 किलोहर्ट्ज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो M1T की फ्रीक्वेंसी में जो इंफॉर्मेशन होगी और जो M2T की फ्रीक्वेंसी में जो इंफॉर्मेशन होगी और जो M3T की फ्रीक्वेंसी में जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन आपस में ओवरलैप हो जाएंगी, क्योंकि जो इनके स्पेस हैं, जो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, वो ओवरलैप हो सकती हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई डिफरेंसेस ही नहीं है, ठीक है ना. क्योंकि ये इतनी लो फ्रीक्वेंसीज हैं कि जो इनकी रेंज होगी वो ओवरलैप होंगी ही होंगी आपकी. और अगर इनकी इंफॉर्मेशन ओवरलैप हो गई तो जो आपका सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन की कोई मीनिंग ही नहीं रहेगी, ठीक है ना. क्लियर है पॉइंट. जैसे सपोज करिए अभी मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर इस वीडियो में, और यहां पर मैं अपने घर में अभी टीवी ऑन कर दूं फुल साउंड में, तो आपको उस टीवी की भी पूरी आवाज आएगी. सपोज करिए टीवी में कोई मूवी चल रही है तो यहां पर आप मूवी भी सुन रहे होंगे और मेरा लेक्चर भी सुन रहे होंगे, तो एक्चुअल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. क्लियर है पॉइंट. तो यही है इंफॉर्मेशन के साथ भी, ठीक है. नाउ अब अगर मैं इस मैसेज सिग्नल्स का मॉड्यूलेशन परफॉर्म करूं, ठीक है, तो मॉड्यूलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है. तो लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं कैरियर सिग्नल. ओके, तो मैं यहां पर हर एक मैसेज सिग्नल के रेस्पेक्ट में कैरियर सिग्नल कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है. तो कैरियर सिग्नल सपोज करिए मैं एक ले रहा हूं 1 MHz फ्रीक्वेंसी का, 1 is 2 MHz फ्रीक्वेंसी का एंड 3 MHz फ्रीक्वेंसी का, ठीक है. कैरियर सिग्नल जो होता है आपका वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, ठीक है. तो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऑपरेशन से ही आपको
हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है. ओके नाउ आप यहां पर समझने की कोशिश करिए. सपोज करिए मुझे फर्स्ट मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मिला S1T, उसकी फ्रीक्वेंसी अभी फिलहाल के लिए मॉड्यूलेशन की ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपकी ऐड हो गई. तो कितना हो जाएगा आंसर आपका? 1.005 मेगाहर्ट्ज. सेम S2T के लिए कितना हो जाएगा आपका? 2.006 मेगाहर्ट्ज. और जो S3T है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 3.007 मेगाहर्ट्ज. क्लियर है पॉइंट? तो इस कंप्लीट एनालिसिस से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है, देखिए जब आप लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फ्रीक्वेंसीज आपस में ओवरलैप हो जाएं, ठीक है ना? जो फ्रीक्वेंसी स्पेस है वो आपस में ओवरलैप हो जाए, जिसके कारण जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाए. बट अब अगर आप इसे हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो इन हाई फ्रीक्वेंसीज, इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा है. देखिए आप S1T एंड S2T के बीच की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ऑलमोस्ट 1 मेगाहर्ट्ज है. S2 और S3 के बीच की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी ऑलमोस्ट 1 मेगाहर्ट्ज है. 1 मेगाहर्ट्ज इज अ वेरी वेरी ह्यूज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ओवरलैप होना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है ना? अगर 1.005 मेगाहर्ट्ज आपकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है और ये सेंटर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अगर प्लस माइनस 2 किलोहर्ट्ज ऊपर भी अगर आपका सिग्नल है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि S2T जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस रखती है S1T से, तो कभी भी ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है? तो लो फ्रीक्वेंसीज में ओवरलैप होने की चांसेस बहुत हैं, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी में अगर आप कैरियर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं तो ओवरलैप होने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है? तो बेसिकली यहां पर हम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग की डेफिनेशन क्या है कि वी सेंड मोर देन वन सिग्नल थ्रू अ सिंगल केबल और चैनल एट सेम टाइम. तो अगर हम एक से ज्यादा सिग्नल एक साथ भेज रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो सारी की सारी सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर आ गई तो ओवरलैपिंग होगी ही होगी. तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस बिल्कुल सेपरेट करनी होती है जिनसे कि ओवरलैपिंग ना हो. तो यहां पर मॉड्यूलेशन आपकी हेल्प करता है, ठीक है? तो सेकंड जो आपका कंसेप्ट है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का, इट इज यूज्ड इन मल्टीप्लेक्सिंग. ओके नाउ यहां पर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है? तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था फर्स्ट वीडियो के लिए, इंट्रोडक्शन था बेसिकली कम्युनिकेशन का, ठीक है ना? कम्युनिकेशन क्या है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है, जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है उसमें वायर्ड ब्लॉक डायग्राम क्या है और वायरलेस ब्लॉक डायग्राम क्या है. वायरलेस में जो आपको मॉड्यूलेशन यूज हो रहा है उस मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूलेशन क्या है डेफिनेशन कंसेप्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की नीड होगी जो मैंने आपको कंटेंट पार्ट में बताया था, कंटेंट वाली वीडियो में बताया था, वो होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड मॉड्यूलेशन क्या है उसका एनालिसिस करेंगे. ओके अगर इस वीडियो में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको कहा है मल्टीप्लेक्सिंग में ये कोई प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना? ये मैंने सिर्फ एग्जांपल क्रिएट किया है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि मल्टीप्लेक्सिंग में आपको मॉड्यूलेशन की नीड क्यों है, ठीक है? नाउ गुड बाय.